बीस्ट मतलब क्या जुराब जुरूब सूंघ के आया क्या भाई वीडियो बनाने? तुम्हें क्या लगता है दुनिया के किसी कोने में फुकरा इंसान बैठा होगा और इज ही टेकिंग नोट्स? मेरे पीछे 200 सेट्स खड़े हैं, सो सो लॉन्ग टाइम हमने मिस्टर बीस्ट की डॉल्स के लिए वीडियो नहीं देखी है। सब लोग अपने क्यूब में जाओ, इन 100 जुड़वाओं के सेट्स में से सिर्फ एक ही जोड़ी यहां से 2.5 लाख डॉलर्स जीत के जाने वाली है, और अगर किसी भी ट्विन ने रेड लाइन क्रॉस की तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। और इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, वो 0 to 100 वाला है और वो 2.5 लाख डॉलर्स जीतता है। मैंने पहले कभी इतने चिंकी और मिंकी कहा है? तुमने वो देखी, दो बहनें, ये है चिंकी, ये है मिंकी, वो भी है क्या इसमें? मेरे को लगता है इसमें नहीं देखे। सब लोग एक जैसे दिखते हैं, ये क्रेजी है। स्कूल में क्या तुम कभी उसकी जगह क्लास में गए थे? मैंने इसके लिए टेस्ट दिया था। सच में? मैं ये वीडियो में जरूर डालूंगा। वहाँ देखो, पैसे है। मुझे ये नजारा पसंद है, हम कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। लेकिन इन्हें क्या पता ये वीडियो उनकी ट्विन वाली बॉन्डिंग की परीक्षा लेने वाला है। बंद रखो, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, माफ कर दो। तुम इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, तुम पे भरोसा नहीं। इसको कहां से ले गया तू बिग बॉस? इस वीडियो के हर चैलेंज को कुछ इस तरह बनाया है कि आपको और आपके ट्विन को साथ मिलकर पास करना पड़ेगा। पहले चैलेंज में ये कमरा अलग अलग रंगों की लाइट्स फ्लैश करेगा। आपको और आपके ट्विन को मिलकर उन रंगों का सीक्वेंस याद रखना है और उसे अपने टैबलेट में डालना है। अगर आपने सही सीक्वेंस एंटर किया तो आप गेम में रहेंगे, और अगर गलत एंटर किया तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। ओह गॉश, धक धक होने लगी है। मैं शुरुआत आसान कर देता हूँ। तो पहले राउंड में पैटर्न होगा सिर्फ 6 कलर्स का। ब्लू, येलो, 6 कलर्स ही बहुत है यार। येलो, अब जो सीक्वेंस आपने देखा उसे टैबलेट में डालो। ब्लू, येलो, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लू। क्या बात है, कुछ क्यूब्स वाले एक दूसरे से जानकारी शेयर कर रहे हैं। शायद हमने कर दिया। तुम्हारा हो गया, अब लॉक करो। अब गलत हुआ तो हुआ, लव यू भाई। छपरी ब्रदर्स, तीन ट्विन्स जोड़ियों ने छपरी ब्रदर्स क्या है क्या? उनके क्यूब्स को लाल रंग का कर दो। सिर्फ दो गया बात। और एक मजेदार बात, जो तीन जोड़ियां एलिमिनेट हुई हैं, वो तीनों एक दूसरे के पास ही थे। चलो सब तालियों से उनकी विदाई करो, हमें गर्व है तुम पे। ये अगला सीक्वेंस 15 कलर्स का है। पागल हो गया मिस्टर बीस्ट, तो अभी बस ये शुरुआत है। 15 कलर्स तो बहुत है। हर राउंड में हमने पैटर्न्स में और ज्यादा से ज्यादा कलर्स ऐड किए। देखता हूँ मुझे याद रहता है या नहीं। मैं तो ऑलरेडी भूल गया। ओ, ये वाकई में मुश्किल है। चलो देखते हैं कौन एलिमिनेट हुआ। ओ, नहीं। ये हमारे एज 1 से 100 वीडियो में 3rd पोजीशन पे आए थे, और इस वीडियो में वो इस वीडियो में आपने हक दिया आंटी, यू शिट इट द वर्स्ट। झड़क रहा है। और हाँ, 15 कलर्स मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ये 27 कलर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मिस्टर बीस्ट मतलब क्या जुराब जुरूब सूंघ के आया क्या भाई वीडियो बनाने? 27 कलर्स, 27 बोला ना इसने, 27 कलर्स कौन याद रख सकता है मेरे भाई? तू ही रख सकता है। जो हम आगे क्रिस को तू याद रख सकता है, मुझे पता है करने वाले हैं। क्या रहना तेरा? नहीं, लास्ट में येलो था। हाँ, लास्ट में येलो था, तुमने सब खराब कर दिया। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, लेकिन मैं क्यों सुनूं? मदद करो, कोई मेरी मदद करो। जल्दी सबमिट करो। अरे ये तो गलत है। इसको कहाँ से लेके आया तुम बिग बॉस? और फाइनल राउंड में 12 ट्विंस की जोड़ी एलिमिनेट हुई है। 12, ये है वो लोग जो बाहर हो गए। हमने हर ट्विन की जोड़ी को $1000 दिए। मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, एक बहुत छोटी डिटेल है, तुम्हें एक बंदा दिखा दो। एलिमिनेट हुई है, या आगे देखना। ये इसको देखो, इस बच्चे को मस्त पैसे गिन रहा है। बाहर हो गए, हमने हर ट्विन की जोड़ी को $1000 दिए हैं, और यही खत्म होता है पहला चैलेंज। अब 72 जोड़ी ट्विंस बचे हैं। क्रेजी आफ्टर इफेक्ट। कहा था मैं सही हूँ, हम ही जीतेंगे, जीत गए। मिस्टर बीस्ट, ये ओलंपिक्स है और वो रहा मेरा गोल्ड मेडल, मुझे अपना स्टूडेंट लोन चुकाना है। वादा रहा। Dirty Twins, top two. और हमेशा की तरह हमने एलिमिनेटेड प्लेयर्स के क्यूब्स तोड़ दिए। ये प्लास्टिक था, बस ऐसे ही करना चाहिए। शीशा देखो। क्या तुम लोग दूसरे चैलेंज के लिए रेडी हो? पेश है दूसरा चैलेंज। अब सब चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि अब असली मजा शुरू होने वाला है। इस चैलेंज में आधे लोग बाहर का रास्ता देखने वाले हैं। हाँ, ये काफी टफ होने वाला है। वाह, सब अपने अपने ब्लॉक से पर्दा हटाओ। ओह, फीस्टेबल्स, ये फीस्टेबल्स क्यूब्स क्या करना है इनका? लगता है कुछ बनाना है। तुम दोनों में से एक अपने क्यूब में ब्लाइंड फोल्ड पहनेगा और दूसरा इस ट्रे को पकड़ेगा। जिस ट्विन ने ब्लाइंड फोल्ड पहना है उसे ट्रे पर सारे 10 क्यूब्स एक के ऊपर एक रखना होगा, और फिर ट्रे पकड़ने वाले को ये टावर उस पोडियम पर रखना है। टफ होगा, अगर इसमें से एक भी क्यूब गिरा, ये गिर जाएगा, तो तुम और तुम्हारा ट्विन दोनों एलिमिनेट हो जाओगे। पकड़ोगे या स्टैक करोगे? मैं पकड़ूंगा,
मैं स्टैक करूंगा। सही है, आधे लोग तो घर जा रहे हैं। और आखिरी चीज जो बतानी है, तुम अपने पड़ोसी से मुकाबला करोगे और सिर्फ एक ट्विन का सेट ही यहां जो से पहले एक दूसरे का साथ दे रहे थे, अब ये होने वाला है। हम में से बस एक ही जाएगा। ब्रो, मुझे अजीब लग रहा है। हम इस सेक्शन के क्यूब से शुरू करेंगे। 3, 2, 1 शुरू। आगे बढ़ो, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाओ, जल्दी स्टैक करो। नीचे सही है, क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड पहने हुए ट्विन ही सारे क्यूब्स एक के ऊपर एक रखेंगे। ये गेम एक तरह तुम्हारी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। हाँ। पीछे वाले ने ऑलरेडी 4 रखे हैं। ओ गॉश, धीरे से नीचे लाओ, धीरे धीरे, परफेक्ट। अरे नहीं, जल्दी करो यार, तुम्हारे ओपोनेंट के पास आखिरी 2 क्यूब बचे हैं। कहाँ है? ऊपर और ऊपर। नहीं नहीं, लुक लुक, मुझे पकड़ना होगा, मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। लेकिन 10 क्यूब्स का टावर बनाना तो सिर्फ एक शुरुआत है, सबसे मुश्किल हिस्सा है टावर को पोडियम तक ले जाना। ये क्यूब्स बहुत हिल रहे हैं, ये इसकी जिंदगी का सबसे अहम पल होने वाला है। भाई गिर गए, हक दिया मेरे भाई तूने। अरे नहीं, इन्होंने गिरा दिया तो तुम लोग जीत गए। और याद रखना, अगर किसी तरह टावर गिरकर क्यूब पकड़ने वाले ट्विन को छूता है तो वो भी फॉल काउंट होगा और दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। नहीं नहीं, ओ नहीं। लेकिन कुछ ट्विन्स ने एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनाई है। कुछ ने अपने क्यूब्स को छूने की भी कोशिश नहीं की और ना टावर बनाने की, और उनके ओपोनेंट के टावर के गिरने के भरोसे बैठ गए। ये जरूर गिराएंगे, बस देखते रहो। उन्होंने कितने ब्लॉक्स लगाए? एक लगाया नहीं, नहीं। ये आंटी, इन दोनों आंटियों कहां से लेके आए? वो लोग बस बैठे रहेंगे, वो कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन अपने ओपोनेंट के फेल होने का इंतजार करना ही इकलौती रणनीति नहीं थी। तुम कर लोगे, ये वाकई शानदार स्ट्रेटेजी है। ठीक है, वो लोग अपने ओपोनेंट का ध्यान भटकाकर उनका टावर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम हारने वाले हो, तुम हारने वाली हो, फिलहाल तो तुम्हारी आवाज जा रही है। ये लोग इतनी तेज चिल्ला रहे हैं कि कमरे के दूसरे छोर पर बैठे ट्विन्स तक उन्हें सुन सकते हैं। ये कैसी स्ट्रेटजी है? मुझे नहीं पता कि चिल्लाना भी कोई स्ट्रेटजी है। मुझे नहीं पता कि तुम ये गेम कैसे जीतोगे, बस उनसे हारना मत। ये क्या हो रहा है? ठीक है, इस राउंड के लिए बस 10 मिनट बचे हैं। जो भी टीम टाइम खत्म होने तक सबसे ज्यादा ब्लॉक्स जमाएगी, जिसके पास सबसे ज्यादा ब्लॉक्स है वही जीतेगा। जब कॉलिंस ट्विन्स को लगा कि उनके पास टाइम खत्म हो रहा है तो उन्होंने जल्दी से स्टैक करना शुरू कर दिया और दोनों ने 5-5 क्यूब्स पर टाई कर दिया। उनके कितने हुए? उनके 5 हुए। ये बहुत हिल रहा है, मुझे लगता है टाइमर खत्म होने से पहले ही करना होगा। इस राउंड में अब 20 सेकंड से भी कम बचे हैं। मैं एक और ब्लॉक पकड़ सकती हूँ, बताओ क्या करूँ? हाँ, क्या तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, थोड़ा ऊपर और आराम से। ठीक है ठीक है, आ जाओ, नजदीक आओ, नजदीक आओ। 7, 6, 5, 4 यस 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 यस, हाँ सही है सही है। हाँ छोड़ दो, पोडियम में नहीं रखना था ये। उसकी नाक को छू गया, उसने गलती से छू दिया। ओ माय गॉश, तुम लोग जीत गए। नहीं नहीं, अरे नहीं, हमें यहाँ से बालों से घसीट कर निकल पाओगे। लेकिन ये गेम्स आगे जाते जाते और इंटेंस होती जा रही हैं। अरे नहीं, जरा संभल के रुको। गिर गया। अरे नहीं, इस चैलेंज के दौरान हमें देखने को मिला कि किस टीम के ट्विन्स के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है। इस तरफ, हाँ इस तरफ, हाँ ठीक भाई। उसने बस अपने सिर से उसे डायरेक्ट कर दिया जैसे उसे देख सकता हो। जुड़वाओं को कमाल है, जुड़वाओं को कमाल। लेकिन जिस तरह कुछ और जोड़ियां बात कर रहे थे, यकीन ही नहीं होता कि ये ट्विन्स है। जॉली भाई भी आए क्या? ऊपर लो, इसने तुम्हारे सिर पे मार दिया था। ट्विन्स होकर भी हमारी कोऑर्डिनेशन बेकार है। और बहुत जाने वाले गेम्स बचे थे जो आखिरी सेकंड तक पहुंचे। 2, 1 हाथ हटाओ। हारने वाला है। ओ नहीं, टावर गिर गया। तुम जीत गए। उनका टावर गिर गया, तुम लोग जीत गए। ये लोग अब $2,50,000 जीतने के एक कदम और करीब है, और जैसा कहा गया था, आधे लोग इस चैलेंज में एलिमिनेट हो गए। काफी आउट हो गया। हम कुछ बंक बेड्स ला रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, दुनिया के किसी कोने में फुकरा इंसान बैठा होगा और इज ही टेकिंग नोट्स? तुम्हें ऐसा लगता है क्या वो नोट्स ले रहा है मिस्टर बीस्ट की वीडियो देख के फॉर हिज नेक्स्ट वीडियो? आई थिंक सो ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा लाजमी हो रहा है मेरे को, ऐसा मतलब आई एम 100% श्योर कि मिस्टर पूरा इंसान इज लाइक, अच्छा डब्बे रखने हैं, ओके अब ये वाला टास्क करना है, चलो डन। ऐसा हो रहा है भाई, तो जाओ क्योंकि कल के चैलेंज और भी टफ होने वाले हैं। अभी वाला चैलेंज तो बहुत ही मुश्किल था। मॉरिसस और हमने एक साथ मिलकर काम किया है और हमारा स्ट्रॉन्ग अलायंस रहा है, तो अभी बस हम 2 बचे हैं और हम सब साथ हैं। क्या लगता है, कैसा लग रहा है? लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गया। ठीक है, गुड नाइट। आखिरी 36 है दोस्त। गुड नाइट, अच्छे से सोना।
पहले दिन के इस ब्लड बाथ के बावजूद भी ये ट्विंस मेरी उम्मीद से कई ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे थे। ये चैलेंज जीतेंगे 100% गारंटी। हम तैयार हैं, पूरी तरह फोकस। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, गार्ड्स अगला चैलेंज ले आओ। अपने पैट में क्यों रखा है? पोडियम रखा है, उस पर से काले कपड़े को हटाओ। तो ये अगला गेम तुम्हारी लालच की परीक्षा लेने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सबके सामने $5,000 रखे हुए हैं। इसे लेना या ना लेना ये पूरी तरह आप पर है, लेकिन अगर आप इसे लेते हो तो 50-50 का चांस है कि आपको रैंडमली एलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं लेते तो आप पक्का अगले राउंड में चले जाओगे। हम 10 मिनट का टाइमर सेट कर रहे हैं। सेफ खेलो और अगले राउंड में जाओ, सेफ खेलो और अगले राउंड में जाओ, या फिर $2,50,000 का जुआ खेलो 5,000 के लिए। हम क्यों ना बस पैसे ले लें, 5,000 हमारे लिए हमारे चांस खराब करने के लिए काफी नहीं है यार। इतने तो मिल ही जाएंगे, इतने तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम बाहर भी जा सकते हो। इतना काफी नहीं है। फ्री के 5,000 है। मुझे पता है, लेकिन हमने सोचा है कि हम ट्विन ट्यूशन पर भरोसा करेंगे। हम बड़ी अमाउंट जीतने आए हैं। इस फैसले की वजह से कुछ ट्विन्स के बीच तनाव बढ़ने लगा था। हम पैसों को छोड़ देते हैं, बहुत टेंशन ले रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस बात कर रहा हूँ। मैं कुछ तो लेकर जाना चाहती हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। नहीं, हमारी नजर तो उस बड़े नाम पर है, ना कि उस पर। तो ये $5,000 तुम्हारे हुए, कांग्रेचुलेशन। तुम्हें 5,000 नहीं चाहिए? नहीं, हमें तो बस मिस्टर बीस्ट चैलेंज जीतना है, क्योंकि हमें बस स्टाइल मारनी है। ये तो गॉड से देखो, हम हैं बैड बीस्ट बॉबीज। और आखिरी पलों में बचे हुए ट्विंस। मिस्टर बीस्ट तो क्या स्ट्रिपर स्ट्रूपर्स लेके आया गया अपने शो में? लग तो ऐसी रहे। ने अपनी फाइनल डिसीजन के लिए जल्दबाजी की। पैसे ले लो भाई। काफी भाई साथ। बोझ मैं उठा लूं। मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ पे जिमी होता तो क्या करता, और मुझे लगता है कि जिमी पैसे लेता और कहता कि नहीं। तो 8 कंटेस्टेंट्स ने पैसे लिए हैं, इसका मतलब है कि हम उनमें से 4 को रैंडमली एलिमिनेट करेंगे इसी बार। और इसे रैंडम बनाने के लिए मशीन से निकाल रहे हैं। एक रैंडम नाम उठाओ, और पहला एलिमिनेशन है एलन। खर्चा पानी तो मिल ही गया, मुझे बाहर छोड़ दोगे? एलन ट्विंस स्टेज पर आओ, तुम अगला नाम निकाल सकते हो। अगला एलिमिनेशन है मोर। नहीं, हमारा लालच हमें ले डूबा। और एक बार फिर एलिमिनेट हुए ट्विंस अगला नाम निकालेंगे, और जो अगली जोड़ी बाहर जा रही है वो है मिलर ट्विंस। अगर हमने पैसे नहीं लिए होते तो हम अब भी उस 2.5 लाख वाले क्यूब में होते, हमारी जिंदगी बदल सकती थी, इसलिए मुझे अब अफसोस हो रहा है। और आखिरी ट्विंस जो एलिमिनेट हो रहे हैं, डियांजिलो ट्विंस, हमारे फाइनल एलिमिनेशन है। हमें तो पक्का 5,000 मिल गए। मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया चॉइस थी, जो मिल रहा है वो ले लो। बाय दोस्तों, गुड लक। और इसी के साथ चौथा चैलेंज भी खत्म हुआ। मुझे खुशी है मेरे पैसे नहीं लिए। अब तक इस वीडियो में तुमने और तुम्हारे ट्विन ने मिलकर तुम्हारी किस्मत लिखी। अगले चैलेंज के लिए आप सब मिलकर डिसाइड करोगे कि कौन जाएगा और कौन रहेगा। तुम्हारे टैबलेट पर 2 बटन पॉप होंगे। अगर तुमने ग्रीन बटन दबाया तो चैलेंज खत्म हो जाएगा, मतलब अगर सबने ग्रीन दबाया तो कुल मिला के चैलेंज खत्म। अगर तुमने रेड बटन दबाया तो तुम किसी को बाहर निकलने के लिए वोट कर रहे हो, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर अगर तुम सब साथ मिलकर ग्रीन बटन दबाओ तो कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए 5 मिनट है। मेरे क्या? लोगों को बाहर निकालने के लिए वोट करना बहुत रूड है। ग्रीन होना तो टीमवर्क की बात है। सब ग्रीन दबाओ। जैसा मैंने कहा, अगर सबने ग्रीन के लिए वोट किया होता तो सब आगे बढ़ जाते, लेकिन क्योंकि कॉलिंस ट्विंस ने अपना इतना नाम बना लिया है, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये होने वाला। सुनो दोस्तों, हमें पता है कि क्या सही है, स्टेसी और ट्रेसी, हमें ही इंसाफ करना पड़ेगा। खबर जल्दी फैल गई, और जब कुछ ट्विंस ने रेड के लिए वोट किया तो ये चेन रिएक्शन बन गया, और साफ हो गया कि कोई तो घर जाने वाला है। स्टेसी और ट्रेसी, स्टेसी। सबसे बड़ा खतरा कौन है, किसमें पर्सनालिटी है, कौन सबसे मेहनती है, कौन हर चैलेंज जीत चुका है? टाइम खत्म हो गया। तुम्हें लगता है कि सबने ग्रीन दबाया होगा? वाह, सच में किसी को ऐसा नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ 2 ट्विंस के जोड़ों को वोट मिले हैं, और हेली ट्विंस को मिला है 1 वोट। बाय बू। और कॉलिंस ट्विंस को, इनको निकाल देंगे, मिले हैं 26 वोट। ओह माय गॉड। कॉलिंस को कुछ ज्यादा वोट मिल गए। वाह, रुको, हमने खुद के लिए वोट नहीं दिया है। तो ये लोग जा रहे हैं। थैंक यू ऑल, हमें बहुत मजा आया। मैंने कभी इतने सारे लोगों को एक साथ मिलकर काम करते नहीं देखा। उनके जाने से काफी शांति हुई है। और अब जब सबका कॉमन दुश्मन निकल चुका था, बार में हमें सबने ग्रीन वोट करना डिसाइड किया, तो टाइम खत्म हो गया और सबने दबाया है ग्रीन बटन। अब मैं अगले चैलेंज की तैयारी करने जा रहा हूँ। ये तो गलत था, हम सब एक दूसरे के खिलाफ भी जा सकते थे। मुझे लगता है लोग सिर्फ अपनी वजह से जाए, हाँ, बजाय इसके कि कोई और डिसाइड करे कि कौन बाहर जाए। अब 31 ट्विंस के सेट बचे हैं, लेकिन अब हम अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज देने वाले हैं, और इसके खत्म होते ही हम टॉप 10 ट्विंस जोड़ियों में होंगे। ओह गॉश,
अगले कुछ घंटों में रैंडमली इस रूम की लाइट्स रेड हो जाएंगी ऐसे, और जब ऐसा होगा सबसे पहले जो ट्विंस का सेट अपनी टैबलेट पर बटन दबाएगा वो सेफ होगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन बाकी जो भी बटन दबाने की कोशिश करेगा और पहले नहीं होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। हम ये 10 बार करने वाले हैं और तुम्हें डिसाइड करना है कि किस राउंड में बटन दबाना है। आइडियली मिस्टर बीस्ट अब क्या कर रहा है ना, मिस्टर बीस्ट सबको आपस में लड़वा रहा है और धीरे धीरे ये चीज बढ़ती जाएगी देखना तुम। बार में बटन दबाने की कोशिश मत करना क्योंकि जितने ज्यादा लोग हर राउंड में कोशिश करेंगे तुम्हारे चांस उतने ही कम हो जाएंगे। दूसरे राउंड में दबाएंगे और हमने ये सबको क्लियर कर दिया है। तुम लोगों ने क्या सोचा? हम पहले में ही जा रहे हैं। ज्यादातर लोग शुरुआत में ही कोशिश करेंगे। मेरी रिएक्शन टाइमिंग अच्छी है। क्या स्ट्रेटजी चल रही है? हम अलार्म नंबर 2 के लिए जाएंगे, हम ये सबको अनाउंस कर देंगे। अगर तुम एलिमिनेट नहीं होना चाहते हो तो राउंड 2 में मत दबाना। लेकिन हर कोई इतना जल्दी जाने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे लग रहा है तुम बटन दबाने के बिल्कुल मूड में नहीं हो। पहले दबाना शायद ठीक नहीं होगा। ठीक है तो अब चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो गया है। गुड लक। जैसे ही लाइट रेड होगी बस भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही लाइट डिम होगी जोर से लाल चिल्लाऊं। ओह माय गॉश, सब कुछ बदल सकता है और वो भी किसी भी पल में। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर चिल्लाएगा। ओह माय गॉड। और ये था पहला राउंड। लगता है 4 जोड़ी ट्विंस ने पहले राउंड में कोशिश की। चलो देखते हैं किसने सबसे पहले बटन दबाया और कौन सी 3 जोड़ी जा रही है अपने घर। हम आमतौर पर हाथ नहीं पकड़ते। हाँ हम हाथ नहीं पकड़ते। तो तुम लोग या तो अभी एलिमिनेट हो जाओगे या जीत जाएंगे या टॉप 10 में जाओगे। हाँ। तुमने बटन दबाया? क्या बात है। बहुत से लोगों ने भी दबाया लेकिन अब देखना ये कि सबसे पहले किसने किया। हमने 4 चैलेंजेस पार कर लिए हैं। डिड यू नोटिस समथिंग? चैंडलर है ही नहीं, काफी वीडियो से नहीं, ऐसा क्यों? जो भी हो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। रिजल्ट्स दिखाओ। ओह माय गॉश। लेकिन इससे पहले कि सब ट्विंस एक मिनट भी रिलैक्स हो पाते हमने एक कर दिखाया। हमने उन्हें एक राउंड देकर सरप्राइज कर दिया। अलार्म बजाए। सच में? हाँ रेड हो गया। और एक बार फिर सिर्फ 4 ट्विंस की जोड़ी ने राउंड 2 में कोशिश की। क्या तुमने दबाया? हाँ, और बहुत तेज दबा दिया था। रिजल्ट्स दिखाओ। तो सिर्फ 0.6 के अंतर से राउंड 2 जीत लिया है। मजा आ गया। इसकी मास्क क्यों पहन रहा है? क्या बात है दोस्तों, अब हम तुम्हें देख रहे हैं। जीते, अब बाहर आ जाओ। बाय दोस्तों। दो ट्विंस की जोड़ी ने टॉप 10 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अगले राउंड में कितने लोग जाने वाले हैं? तो हम कर रहे हैं फिंगरिंग, थोड़ा इंतजार कर लो। फिंगर टाइप है, इधर मत देखो। शायद 10वें राउंड में कोई एक ही बचा हो। फोकस। उसकी उंगलियां स्क्रीन से बहुत दूर हैं। तुम बार बार दूसरी तरफ देख रही हो, सपने देख रही हो क्या? ठीक है, अगर ये पोगी ना बाहर टेस्ट तो किया पता नहीं काफी था। तीसरे राउंड में 3 ट्विंस जोड़ी ने बटन दबाया। रिजल्ट दिखाने से पहले हम तुम्हें दुनिया की बेस्ट चॉकलेट दे रहे हैं। हम तुम्हें थोड़ा चीयर करना चाहते हैं, तुम लोग बहुत नर्वस लग रहे हो। मुझे चॉकलेट चाहिए। फीस्टिबल्स हमारा प्यार है। तुम्हें चॉकलेट चाहिए? बिल्कुल। तो बॉयज अभी सबको फीस्टिबल्स चॉकलेट दे रहे हैं जो कि दुनिया की बेस्ट चॉकलेट है। फीस्टिबल्स बेबी। और मैं ये अनाउंस करते हुए बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमने अपनी नई कुकीज एंड क्रीम्स फीस्टिबल्स बार लॉन्च की है। ये मेरी फेवरेट है। माना ये मेरी ब्रांड है लेकिन ये सच में अब तक की बेस्ट चॉकलेट है जो मैंने खाई है। फीस्टिबल्स कुकीज एंड क्रीम लॉन्च हो चुकी है, लेकिन बस इतना ही नहीं, हमने अपनी नई हैलोवीन मल्टीपैक भी लॉन्च की है क्योंकि इस साल हैलोवीन नाइट पर फीस्टिबल्स किसी को देने वाला है $10,00,000। अगर तुम हैलोवीन पर फीस्टिबल्स नहीं बांट रहे तो साफ है कि तुम अपने मिस्टर बी स्टॉप सॉफ्ट गैम्बलिंग जो आप कर रहे हो ना, इसको बंद करो यार। ठीक है, मुझे पता है आपके ऊपर एलिगेशंस भी लगे हैं, आपकी मारी भी गई है इस वजह से। ठीक है, टू मतलब आप लोगों को कब बोलते हो कि लो ताकि हमें पैसे मिलेंगे, ये भी गैम्बलिंग में आ जाता है। बट इट्स टाइम टू स्टॉप इट, प्लीज कम ऑन। पड़ोस से नफरत करते हो। और अब राउंड 3 के रिजल्ट्स की बारी, जो कि सच कहूं तो काफी मजेदार है। उसे हर्षी ट्विंस ने जीत लिया है। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं कर पाऊंगी। 16 ट्विन सेट्स और बचे हैं और सिर्फ 7 स्लॉट्स। टेक्निकली इंतजार करने से तुम्हारे चांस बेहतर हो गए हैं, लेकिन अब भी बहुत लोग बचे हैं। लोगों को बता सकते हो कि हम राउंड 4 के लिए जा रहे हैं? तुम कर लोगे, तुम्हें करना है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं लाल होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। चौथे राउंड के विनर तो वही यार जिसकी फिंगरिंग स्पीड यारी कुछ है ना, वही जीत सकता है। अब तुम देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो जो नहीं
लड़की है, ठीक है, मेरे को लगा कि सारे लड़के होंगे, पर ठीक है लड़कियां भी है लड़के भी है, तो इसका मतलब तेज है। मुझे लगा हो गया। सॉरी यार, हार गए। भटक जा मत। तुम कर लोगे भाई। पांचवा राउंड जीता है लेवा ने। तुम लोग एक साथ बाहर आना चाहोगे? दर्द ही दर्द है। ओहो, बावा लोग तो बाहर चले गए। ट्विंस, अब मॉरिस ट्विंस। सात ट्विंस की जोड़ियां बची हैं, लेकिन सिर्फ तीन स्पॉट्स बचे हैं। मैं भी बटन दबाने वाली हूँ, ठीक है? फोकस करो, कभी भी रेड हो सकता है। फिशर ट्विन कर रहे हैं, बात मत करो, बात मत करो। हाँ, फिशर और हम ही है। गहरी सांस लो। ठीक है। एक और टीम कर रही है। कौन सी? वो ऊपर वाली। हाथ हटाओ, हाथ। बेंजेट ने भी हाथ हटा लिया है। कौन, वो लड़के? हाँ, दो और लोग हैं कंपटीशन में। तो मैं करूँ या नहीं? हाँ, तैयार रहो। वो वापस आ गया, तैयार रहो। ऊपर वाले भी तैयार है क्या? बातें मत करो। ये बहुत दूर है, वो बहुत दूर था लास्ट वाला। मैंने ऑलरेडी कर दिया। मैंने बहुत जल्दी किया। हाँ सच में। राउंड 8 के विनर हैं बैजेट ट्विंस, और इसके बाद राउंड 9 के विनर हैं डर्टिंग ट्विंस, राउंड 10 के विनर हैं रोजनबर्ग। तो देखो हमारे सामने लिस्टिंग है, ठीक है, दिस इज की सबसे तेज उंगलियां किसने चलाई, ठीक है। इट वॉज नॉट इन द बेड, इट वॉज इन द स्क्रीन। बट हम लेते हैं एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, सॉरी ये लड़की, हाँ लड़का, लड़की, लड़का, लड़का, लड़की, लड़का, लड़का, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लड़के हैं, एक दो तीन चार। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि लड़कों की फिंगरिंग स्पीड ज्यादा है लड़कियों से। प्रूवन, और इसी के साथ ये चैलेंज खत्म होता है। टॉप 10 में पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेशंस। काफी बचे हैं, हम टॉप 10 में आ गए हैं। तो अच्छे से नींद पूरी कर लो, क्योंकि कल एक जोड़ी जीतने वाली है $2,50,000 का इनाम। तो मिलते हैं फिर। वो तो हमारा ही फोकस्ड है और तैयार भी। कल किसने देखा पता नहीं, हम बहुत एक्साइटेड हैं। ओ भाई, एक दो कितने, चार पांच चीज। गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट टॉप 10, अच्छे सपने देखना। अच्छा 10 थे क्या? गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, इस चैलेंज के बाद हमारे पास बचेंगे सिर्फ आखिरी 5 ट्विंस। हर ट्विंस की जोड़ी दूसरी जोड़ी। भाई दिस एनिमेशन, जो एनिमेशन चल रही है ना बीच में एक डमीज की, उफ बहुत प्यारी, बहुत प्यारी ये वाली। ओ साउंड चलेगी। बड़े बॉलिंग गेम में जिसमें होंगे 105 पिच। ये चैलेंज तो हम ही जीतेंगे जाने मन। और इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो ट्विन बॉलिंग करेगा उसे ब्लाइंड फोल्ड पहनना होगा। अब गेम बदल गया। और दूसरा ट्विन तुम्हें गाइड करेगा कि कहां बोल करना है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, हम किसी को भी हरा देंगे, क्योंकि तुमने बटन गेम का पहला राउंड जीता था। सिमोन डॉयल्स, हम तुम्हें चुनने देंगे कि तुम किससे मुकाबला करना चाहते हो, सोच के स्ट्रेटजी बनाना। हम ज्यादा बोलिंग नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है मुझे बोल करना चाहिए। तुम्हें बोलिंग आती है? कुछ खास नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं। रोजनबर्ग्स थोड़े बड़े हैं, चश्मे भी पहने हैं, तो शायद वो अच्छे बॉलर होंगे। हमें पूरी जान लगानी होगी। और जब वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मैं तुम्हें हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, लंच ले जो फीस्टेबल्स। और यार मिस्टर बीस्ट, दुनिया दुनिया तेरे को कॉपी करती है, समझ रहे हैं मेरे भाई, दुनिया तेरे को कॉपी करती है। एंड अब सिचुएशंस ऐसी आ गई है, या तो तेरे को पैसा ही ऐसा चाहिए कि तू अब कॉपी कर रहा है। क्यों मेरे भाई, क्यों कर रहा है? Come on, निकल इससे बाहर, नहीं देखनी भाई, मुझे पता है क्या है ये। तो हैं, बोलो क्या लोगे? मैं पिज्जा लूंगी, नाचोस दिखने में तो टेस्टी। और है। ये किसी को भूख इसलिए चीज है। ओ ये तो मस्त है, बोलो क्या लोगे? मैं पिज्जा, इसने शायद से टेस्टी बोला था। लूंगी, नाचोस दिखने में तो टेस्टी। और ये टेस्टी है भाई, टेस्टी है। यम्मी, स्वादिष्ट। लास्ट नेम और इस बार लगता है, और सबसे पहले है सांस से हैं, और लंच ली लगभग सिर्फ $5 का है। मुझे देखना है कि तुम लोगों को कैसा लगता है। और सबसे पहले है सांस एंड ट्विंस। मैं बोलिंग करूंगी या तुम करोगी, क्या फर्क पड़ता है? मैं करूंगी। तुम बाहर आ सकते हो। वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम एलिमिनेट नहीं होगे। मेरे साथ यहाँ आओ। क्यूब के बाहर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये है तुम्हारा बॉलिंग लेन, देख रहे हो पूरे टाइम। एक और क्यूब चुनना है जिसके साथ मुकाबला करना है। यार ये पागलपन है। तो कौन होगा सामने? अब तुम पे है। हमें चुनो, बस हमें चुन लो प्लीज। तुम्हें तो नहीं, ये लड़की चूज करेंगे, लड़की लड़की। याद रखना ये ब्लाइंड फोल्ड बॉलिंग है, सिर्फ ताकत नहीं स्ट्रेटेजी भी चाहिए। ठीक है, हम हर्ष ट्विंस को चुनते हैं। चलो चलते हैं। लड़कों को जिस ट्विंस की जोड़ी सबसे ज्यादा पिंस गिराएगी तीन बॉल्स में, वो आगे बढ़ेगी, दूसरी जोड़ी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, रेडी, इधर जाओ। तीन दो एक
चलो देखो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही। ओ, उसका सीधा जा रहा है भाई। वाओ, ये क्या किया? बहुत बेकार था ये। ठीक है, अब क्या करना? दोनों बॉल्स में ज्यादा ताकत नहीं थी वैसे। हम दोनों ने पहली बॉल में ज्यादा ताकत नहीं लगाई। लाइन फोल्ड लगाओ। और देखो देखो, इसमें क्या है ना, जो क्या बोलते हैं इनको, जो भी होता है ठीक है, जो गिरने वाले थे वो, अगर हम ज्यादा ताकत से फेंके गए ना तो फॉर श्योर ज्यादा गिरेगे भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम में देख रहे हो कितने सारे। देखो पता नहीं क्या तो तेज फेंका। हर्षी ट्विंस ने 48 पिंस गिराए और सैनसन ट्विंस ने 37। वो 11 पिंस पीछे हैं और सिर्फ एक बॉल बची है। थोड़ा गुस्सा दिखाओ, समझ रहे हो? पिंस बोलते हैं। बाहर निकलो। आज $2,50,000 लगे हैं दांव पे, देखते हैं ये कर पाती है या नहीं। 3, 2, 1 चलो। अभी सीख गया भाई। शानदार। Oh my God, बहुत सही था। वाओ, मुझे खुद को सच में नहीं पता कौन जीता है। अरे नहीं, हर्षी ने बड़ी गड़बड़ कर दी है। ये शायद इस सदी का सबसे बड़ा कमबैक हो सकता है। ये गलत हुआ। हर्षी ट्विंस ने गिराए हैं 55 पिंस और सैनसन ट्विंस ने गिराए हैं 79 और वो आगे जा रहे हैं। Oh my gosh, क्या कमबैक था। किसे भेजना चाहोगी? हमें चुनो, हमें चुनो। हम चुन रहे हैं बेटी ट्विंस को। ठीक है, तुम दोनों वापस अपने क्यूब्स में जा सकते हो। थैंक यू। तुम्हें किसके साथ मुकाबला करना है? लगता है ऊपर वाले दोनों बच्चों से। ठीक है, वो दोनों नॉर्वेज ट्विंस, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। ये मैक्सिकन लग रहे हैं। ट्विंस, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ। 3, 2, 1 चलो। वाह, क्या बात है, बहुत सारे गिर गए भाई। मुझे चलेगा। ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड लगाओ, चलो। वाओ, क्या एक और कमबैक देखने को मिलेगा? तुमने हमें चुना ना, तुमने हमें चुना ना भाई। ये तो बहुत सारे पिंस गिरा दिए। तो एक बार फिर से $2,50,000 के लिए अपने ट्विंस को पोजीशन में लाओ। 3, 2, 1 चलो। आखिरी बोल। भाग दिया उसने, रख दिया। ओह माय गॉड, नहीं, इन्होंने 89 पिंस गिराए और 74। सॉरी दोस्तों। अच्छा खेले दोस्त। हाँ, तुम भी। अगला किसे भेजना चाहोगे? ये लोग। ये जानते हुए कि सिर्फ 5 जोड़ी ट्विंस आगे बढ़ने वाली हैं, सबने बहुत ध्यान से अपने ओपोनेंट्स चुने हैं। हमने चुना है बैजेट। ओह माय गॉश, ब्लाइंड फोल्ड्स पहन लिए गए भाई। जो इसमें ये चश्मे वाले ना, बड़े बड़े, वो अच्छा खेलने वाले। चलो, बिल्कुल बीच में से। सॉरी, हम हार गए। अब कौन है? लीवर्स। ठीक है, क्लिफोर्ड के सामने। तुम अपना क्यूब छोड़ सकते हो। 3, 2, 1 अच्छा चलो। अब ये साफ हो रहा था कि इस चैलेंज में सबसे बड़ा खतरा कौन है। पहले इनको कौन सी स्ट्रीट से लेके आए हो? लीग में था, सैंड्रिया बॉलिंग लीग वाले में। यूके ड्रिप, बॉलिंग मेरी ताकत है। तुम्हें लगता है कि तुम तगड़े कॉम्पिटिटर हो? मुझे ज्यादा टेंशन है। और आखिरी दो सेट्स ट्विंस, ये वाले बंदे आओ, ये कौन आगे जाएगा। ये तगड़े दोस्तों, अपने ब्लाइंड फोल्ड्स पहन लो। $2,50,000 फिर से दांव पे। अच्छा है हमें इनके खिलाफ नहीं खेलना पड़ा। 3, 2, 1 चलो। ये तगड़े होने वाले हैं, बस गियरने के स्टाइल से ही पता चलो। चलो, बढ़िया। ओह माय गॉड, यार ये दोनों ही बहुत सॉलिड हैं। सही गिरा भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। ये अब तक की हमारी बेस्ट बॉल्स थी। साफ दिख रहा था कि दोनों को एक्सपीरियंस है। ये तो कांटे की टक्कर है। ये मुकाबला तो होना ही था। देखते हैं कुछ बदलता है या नहीं। 3, 2, 1 चलो। काफी गिरे थे भाई। क्या शॉट था। हक दिया। पता ही नहीं चला भाई। देखो उनके तो खत्म होने आए हैं। चैलेंज की आखिरी बोल। इन ट्विंस में से एक घर जा भाई, जीत सकते हैं ये वाले 5 में। 3, 2, 1 चलो। ओह माय गॉड, शायद उन्होंने कमबैक कर लिया है। वो बॉल बढ़िया थी, इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। मुझे लगता है ये काफी ये है। क्या हुआ? वाह, ये गेम टाइट होने वाला है। और फाइनल स्कोर है, इन्होंने 82 पिंस गिराए और इन्होंने 86। दो कमबैक थे। में पहुंचने के लिए बधाई। तो अब है बीटी ट्विंस। जो करना है आप करना है। आखिरी 5 फिर क्लिफोर्ड ट्विंस, बहुत खूब। फिर डर्टिंग ट्विंस, जीतेंगे तो हम ही। और सैनसन ट्विंस।
और मोरिस ट्विस्ट मेरा भाई तो बॉलिंग चैंपियन है। अब हम खेलेंगे आमने सामने इस आखिरी चैलेंज के लिए और जीतने वाला ले जाएगा $2.5 लाख। सभी को गुड लक। फाइनल चैलेंज के लिए तैयार हो? हाँ। थोड़ी नर्वसनेस है लेकिन हम खुश ये भी जीत सकते हैं भाई, ये सही है। अगर तुम जीत गए तो पैसे किस पर खर्च करोगे? हम जापान जाएंगे। हाँ, जापान और स्कूल। ये पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, पेरेंट्स के लिए नया घर खरीदेंगे। सच में? शायद नहीं। ये पैसे हम हमारे बैंड में लगाएंगे और फिर हम बन जाएंगे अमीर फेमस रॉकस्टार। हाँ, मेरे पेरेंट्स, उनके 3 बच्चे हैं कॉलेज में और वो हमारी मदद कर रहे हैं तो हम भी उनकी हेल्प। इसके पेरेंट्स के भी 3 और बच्चे हैं, जिसका मतलब है ये 5 बच्चे हैं। ओके, करना चाहेंगे। गुड लक इस अगले चैलेंज में। थैंक यू जिम्मी। इस चैलेंज की शुरुआत में हमारे पास 100 क्यूब्स थे और अब बच गए हैं सिर्फ 5। इतना दूर पहुंचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि सबसे बेस्ट ट्विंस की जोड़ी कौन सी है। तो ग्रैंड फिनाले के लिए तुम लोग अपने क्यूब से बाहर आ सकते हो और यहाँ नीचे आओ। फाइनल चैलेंज यहीं बीच में होगा। काफी डर का माहौल है। तुम में से कोई भी जीते मुझे अच्छा लगेगा। जल्दी पोडियम से ले आओ। ये वो तो नहीं है स्प्लिट और वो वाला। ओह माय गॉश, क्या मुझे डर लग रहा है। अगर तुमने हमारा 50 यूट्यूबर्स वाला वीडियो देखा है तो ये थोड़ा जाना पहचाना लगेगा। की शुरुआत में सबको ब्लाइंड फोल्ड पहनाना होगा। इस बीच मैं इन 5 ब्रीफकेस को शफल करूंगा। अब तुम में से लेफ्ट साइड वाले ब्लाइंड फोल्ड उतार सकते हो। कौन सा ब्रीफकेस उठाना है? ये वाला उठा सकते हो? हाँ, बस इसे उठाओ और अपने पोडियम पर रखो। इन 5 ब्रीफकेस में से 4 खाली है, जबकि इनमें से 1 ब्रीफकेस में होगा $2.5 लाख का चेक। अब सब ने अपने ब्रीफकेस के अंदर देख लिया है और सिर्फ वो ही जानते हैं कि उनके अंदर क्या है। जिनके पास ब्रीफकेस नहीं है वो सब वोट डालेंगे कि किस ट्विंस की जोड़ी को गेम से बाहर किया जाए। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे अपना ब्रीफकेस खोलना पड़ेगा। अगर उनका केस खाली निकला तो वो चेक निकला तो यकीन हो या ना हो लेकिन वो ट्विंस की जोड़ी जीत जाएगी $2.5 लाख का प्राइस। अगर ट्विन टेलीपैथी जैसी कोई चीज होती तो आज दिखाने का वक्त आ गया है। 10 मिनट का टाइमर सेट कर दो। सब डिसाइड करो कि किसे वोट देना है। ओ मोरिस, तुम्हारे पास है क्या? शायद हो। इतना कांप क्यों रहे हो? लगता नहीं उसके पास है। तुम्हें लगता है तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई क्या सोच रहा है? तो मैं तुम्हें चेता हूं, अगर मैं कल को स्ट्रीमिंग स्टार्ट करता हूं ना, ठीक है, मैं डेफिनेटली एकदम से ही, अपन क्या करेंगे ना, एकदम से ही वीडियो स्टार्ट कर देंगे जैसी वीडियो है, ठीक है, देखनी नहीं है वीडियो। और लास्ट में, ठीक है, जो भी प्रिडिक्ट करेगा ना कि ये वाले बंदे जीते हैं या ये बंदा जीता है, ठीक है, उसको भाई अपना मतलब असली अपना पैसा देने वाले। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। शायद तो हाँ। क्या कोई कबूल करना चाहता है कि उसके पास $2.5 लाख है? ओ, तो क्या वो तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे पास है। क्या बात है, बीटीज के खून में दम तो है। मुझे समझ नहीं आ रहा है किसके पास पैसे। दाल में कुछ काला है, तुम किसे वोट कर रहे हो? क्या अपने भाई को वोट कर रहे हो? पता नहीं, मुझे वोट कर दो, सच कह रहा हूँ। अपने भाई को कितना अच्छे से समझ सकते हो, तुम लोग साथ में बड़े हुए हो। मुझे वोट दो भाई। बस तुम चुप हो जाओ, तुम मुझे डरा रहे हो। 45 सेकंड्स बचे हैं। उसे वोट देना चाहिए, शायद ये झूठ बोल रहा है। सच कहो तो मुझे भी नहीं लगता। लेकिन अगर हुए तो सबको जल्दी लिखना होगा। मुझे जो लग रहा है वो मैंने लिख दिया। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, काल वोट इकट्ठे करो। अच्छा फील हो रहा है? पता नहीं दोस्त। पहला वोट है क्लिफोर्ड के लिए। वाओ। दूसरा वोट है मोरिस के लिए। तीसरा वोट है सांसन के लिए। वो 3 अलग अलग ट्विंस की जोड़ियों के लिए एक एक वोट है। चौथा वोट है बीटी के लिए। और 5वां और आखिरी वोट है फिर से बीटी के लिए। मतलब उनके दो और उन्हें अपना ब्रीफकेस खोलना होगा। नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, मेरे पास है। नहीं, ये खाली है। तुमने इसको वोट किया था? हाँ, वोट किया था। तुमने अपने ही भाई को वोट किया। बीटी ट्विंस का ब्रीफकेस वाला भाई धोखा खेल गया था, लेकिन उसका खुद का। हमको तो अपने ने लूटा। गैरों में कहां दम था, अपनी किस्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। तो भाई ही यहाँ पर वही काम पढ़ने में नाकामयाब रहा। बोलने की जरूरत नहीं थी। चिंता मत करो दोस्तों, तुम लोग खाली हाथ नहीं जा रहे हो। जिमी, ऑल द बेस्ट। बाय गाइस। तो अब मैं चाहूंगा कि तुम सब वो ब्लाइंड फोल्ड फिर से पहन लो और हम ब्रीफ केस को फिर से शफल करने वाले हैं। और इस बार सामने की तरफ वाले खुद की मर्जी से ब्रीफ केस को चुनेंगे। जो जब लोग ब्रीफ केस खोल रहे हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पर। तुम्हें कौन सा ब्रीफ केस चाहिए बताओ, 1, 2, 3 या फिर 4? तीसरा।
ठीक है, तीसरा ब्रीफकेस मुझे दूसरा देना। मैं इसे तुम्हारे पोडियम पर रख देता हूँ, तो तुम बताओ पहला या दूसरा। इसको पिछली बार मिला था। लो ये लो मॉरिस, तुम्हारे लिए आखिरी ब्रीफकेस बचा है। अब सिर्फ ब्रीफकेस वाले लोग अपनी ब्लाइंड फोल्ड उतार सकते हैं। अंदर देखो कि तुम्हारे ब्रीफकेस में क्या है, सिर्फ वही जानते हैं कि उनकी किस्मत में क्या है। इसको मिले इस बार। ठीक है, अब सब अपने ब्रीफकेस बंद करो, तुम लोग ब्लाइंड फोल्ड उतार सकते हो। 10 मिनट का टाइमर शुरू करो, देखते हैं ये गेम कैसे चलता है। क्या तुम्हारे पास है? शायद हो सकता है, तुम्हारे पास है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा तो इधर वाले क्या कह रहे हैं? मेरे पास नहीं है। मतलब किसी के पास कुछ नहीं है, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। किसी के पास तो है। मुझे नहीं लगता सैमसन ट्विंस के पास। मैं भी तुमसे सहमत हूँ। तुम सब पे शक हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यही तो बात है। मुझे लगता है कि मॉरिस के पास है और मैंने पहले ही वोट डाल दिया है कि किसे निकालना है। क्लिफर्ड के पास है। अगर तुम अभी फैसला कर रहे हो मतलब तुम्हारे पास पैसे। सिर्फ तुम ऐसा सोचते हो। मैं मॉरिस को वोट कर रहा हूँ। मुझे लगता है मॉरिस के पास है। एक टाइम खत्म हुआ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? पहला वोट मॉरिस के लिए है, दूसरा वोट मॉरिस, दूसरा भी मॉरिस के लिए है। इसी के मुझे पास दग दग हो रहा है। तुमने मेरी बात सुनी नहीं ना? तीसरा वोट डर्टिंग के लिए है। अगर डर्टिंग को एक और वोट मिला तो टाई हो जाएगा, अगर नहीं तो मॉरिस ट्विन्स अपना ब्रीफकेस खोलेंगे। आखिरी वोट डर्टिंग के लिए है, तो मुकाबला टाई हुआ। तुम सबके पास 3 मिनट है डिसाइड करने के लिए, तुम चारों को डर्टिंग या मॉरिस के बीच एक को चुनने के लिए फिर से वोट डालने हैं। तो मुझे किसके लिए वोट करना चाहिए? ये बहुत ही स्ट्रेस्ड लग रहा है, कहीं ये दिखावा तो नहीं कर रहा? वैसे तो मॉरिस के पास ही है, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो बेटी को वोट दो। मेरा नाम मत डालना। देखा तुमने, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था, मेरी बात तो मानो। क्रिस्टल तुम क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। 10 सेकंड बचे हैं। टॉप 3 में जाना चाहते हो तो उनका नाम डालो। भरोसा रखो मुझ पर, भरोसा। 4 शायद वो झूठ बोल रहे हैं। 1 बस करो। मुझे बुरा लग रहा ब्रो। चलो इन वोट्स को गिनते हैं। मॉरिस या डर्टिंग, तुम में से एक अपना ब्रीफकेस खोलने वाला है, तो पहला वोट है डर्टिंग के लिए। इसके पास तो पिछली बार था यार। भी डर्टिंग के लिए है। तीसरा वोट भी डर्टिंग के लिए है। चौथा वोट जो अब मायने नहीं रखता वो भी डर्टिंग के लिए है। तो इन चारों ने डर्टिंग ट्विंस को वोट दिया है। यार दिखाओ तुम्हारे ब्रीफकेस में क्या है। फोर्थ प्लेस बेबी। ओह नहीं, फोर्थ प्लेस। कहा था ना। ओह माय गॉड। तो तुम भी घर लेके जाओगे $10,000। पैसे ले लो। और अब जब तुम सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं पता चल चुका है कि ये गेम कैसे चलता है, तो इस अगले राउंड में हम ये भी नहीं बताएंगे कि किसके पास पैसे हैं। तो नंबर बोलो 1, 2 या 3। मुझे चलो लेट्स डू इट ओवर हियर। ओके सो लेट्स डू। अब हम प्रिडिक्ट करेंगे। मैंने वीडियो नहीं देखी है सच में। चाहिए 2 और मुझे 1। कल आखिरी ब्रीफकेस मॉरिस को दे दो। जिन 3 लोगों के पास ब्रीफकेस है अपनी ब्लाइंड फोल्ड उतार दो, ब्रीफकेस के अंदर देखो। ठीक है, अब उन्हें बंद कर दो। तुम लोग अपनी ब्लाइंड फोल्ड उतार सकते हो। टाइमर शुरू करो। मुझे शायद ये पता है किसके पास है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी बॉडी लैंग्वेज एक बारी देख लेते हैं, तब प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, और वो कौन है? क्या तुम्हें लगता है उनके पास है फिर से? लेकिन अगर तुम्हारे पास हो तो? वो नर्वस लग रही है। ये बस मेरा मैं ही तो सोच पहले से ही नर्वस। मैं कह रहा हूँ ना, उनके पास है। ठीक है, अभी कुछ लग नहीं रहा। तो फिर क्या तुम इसके पास हो सकते हैं? वोट आउट होना चाहिए। अभी वोट नहीं करना। देखो, अगर तुम कह रहे हो कि उनके पास पैसे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वोट करना एक इकलौता ऑप्शन बचता है। क्या पैसे तुम्हारे पास है? तुम आकर देखना चाहोगे? जॉन, यहाँ पे $2,50,000 दाव पर है। तुम्हारे पास 47 सेकंड्स बचे हैं। तुम में से एक ही पैसे लेकर जाने वाला है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है क्लिफर्ड के पास पैसा है। क्लिफर्ड, तुम पिछले दोनों राउंड्स में बिल्कुल सही थे। तुम डिसाइड करो, मैं उसी के लिए वोट करूंगा। मेरे पास ब्रीफकेस है, लेकिन मैं हर बार वोट करने में मदद नहीं कर सकता। यार मेरे को पता है क्या लग रहा है। देखो ये 3 है, ठीक है, ये इसके पास, इसने इशारा करा अपने भाई को। ठीक है, क्लिफर्ड के पास हो सकते हैं भाई, जितना मेरे को लग रहा है क्लिफर्ड के पास है। 15 सेकंड बचे हैं, लिखना शुरू करो। कुछ तो बताओ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, उसे पता है वो क्या कर रही है। तुम्हारे ब्रीफकेस में पैसे हैं? क्लिफर्ड हो सकता है। आई विल गो विद क्लिफर्ड। ब्रीफकेस में वो झूठ बोल रहा है। मैं कैसे झूठ बोल रहा हूँ? मुझे नहीं पता। 5, 4, 3 मैं तो क्लिफर्ड। 2 क्लिफर्ड। 1 पेन नीचे रख दो। क्लिफर्ड क्लिफर्ड मॉरिस के लिए है। नहीं, क्लिफर्ड। दूसरा वोट, वो ये भी मॉरिस के लिए है। हमें तीसरा देखने की भी जरूरत नहीं है। टेबल ले आओ
गुड लक दोस्तों। ठीक है मोरिस ट्विंस, अब सब इस पल पर निर्भर करता है, तो तुम्हें नहीं पता इसके अंदर क्या है। ठीक है, तुम इसे दिखाना चाहोगे? अगर ये खाली हुआ तो वो हार जाएंगे और खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई जीत नहीं जाता, लेकिन अगर इसमें वो $2,50,000 हुए तो ये उनका होगा। मैं गलत था। Yes. बहुत बढ़िया ब्रो। मुझे रोना आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम लोग इन पैसों का क्या करोगे? ये हमारे परिवार के पास जाएगा, उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं। इन्हें अलग करो, ये तुम्हारे $1,25,000 और ये तुम्हारे $1,25,000। भाई बधाई हो। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भाई तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने बीच में क्या बोला था? जब मैं बोला था इनके 5 भाई है, उससे पहले मैंने क्या बोला था? ये जीत सकते हैं, और किसी के लिए नहीं बोला था ये जीत सकते हैं। इसका मतलब मैं जीता। मेरे को कितना परसेंट मिलेगा यार? लंड मिलेगा भाई, इज्जत मेरे को।